गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम डिस्कशन करेंगे टारगेट उड़ीसा ट्रिपल एसी नर्सिंग ऑफिसर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंट मल्टीपुल च्वाइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे रिविजन इसमें सब सब्जेक्ट इनकुल रहेगा जैसे फंडामेंटल नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ग्ञानिकोलॉजिकल एंड ऑबिकल नर्सिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक बार जरूर देखें क्लास को अगर आप लोग अटेंड नहीं करते हैं, जरूर अटेंड करिए आज डे वन है ओके इज इट स्पेशियल वन ओके जरूर ओके जस्ट यू हैव टू अटेंड द क्लास ओके फ्रॉम हियर ऑनवर्स सो वेलकम ऑल ऑफ यू आफ्टर ए लॉन्ग टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीजीशन फॉर द फोर्थकमिंग उड़ीसा ट्रिपोलिसी नर्सिंग ऑफिसर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है ओके वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ओके उड़ीसा ट्रिपल एस सी नर्सिंग ऑफिसर स्पेशियल है द नर्स शुड ऑलवेज आसेज द पेशेंट विथ एन ऑपथाल्मिक प्रॉब्लम फॉर विजुअल एक्विटी पापिलरी रिएक्शन इंट्राओक्यूलर कॉन्फ्रट्रेशन विजुअल फील्ड ओके किसी पेशेंट का अगर प्रॉब्लम है ओके okay, तो नर्स कैसे आसेस करना चाहिए किसको पहले आशेष करना चाहिए ओके okay, फोर ऑप्शन दिया गया है जस्ट यू हैव टू आसेज दिस कंडीशन तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है हमेशा विजुअल आकृति को देखना है ये विजुअल आकृति को हमेशा याद रखो एक चार्ट है इसका ओके okay, वो चार्ट का नाम है सेनेल चार्ट ओके okay, सेनेल चार्ट बोल के बोला जाता है जस्ट यू हैव टू रियम्बर ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ हियरिंग द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइन ये ऑप्शन में ऑप्शन कोन ऑफ लाइफ पार्कले टिम्पनिंग मेम्रेन लैटरलाइजेशन विदे बोन कंडक्शन ग्रेटर देन कंडक्शन ओके अगर हियरिंग के असेसमेंट के दौरान नर्स क्या फाइंड आउट करेगा ओके वेलकम ऑल ऑफ यू आप सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम টু এগেন ৱান ছেকেণ্ড টু অল অফ ইউ তো ইা এন্সাৰ হ'ব ডি অপশ্যন অ'কে দূ আৰং ডি অপশ্যন দিয়াৰ এন্সৰ ইজ কৰে ওৱান ডিউৰিং আছেছমেণ্ট অফ হিঅৰিং ব'ন কণ্ডকশ্যন গ্ৰেটৰ দেন হিয়াৰ কণ্ডকশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হে শুভ স্মিতা নাইক গিভেন দ ৰাইট আঞ্চাৰ ডি ভেৰি গুড অ'কে নাও ৱিল কম বেক টু নেক্সট কুৱেশ্যন দ ব'নমেৰো এসপিৰিচন ইজ ও ও ৱান অফ দ ডায়গনোষ্টিক প্ৰচিজৰ ওৱান অফ দৰ্জিকেল প্ৰান অফ দ মেডিকেশ্যন ৱান অফ দিৰ तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा पुड योर राइट आंसर हियर यहां पर सही आंसर कौन सा होगा ओके तो यू ऑल हैव टू रियम आप सभी को याद रखिए बोनमेरु एस्पिरेशन क्या होगा ओके वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू तो यहां पर आप सभी को याद रखना है बोनमेरू एस्पिरेशन हमेशा याद रखो ओके जिन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं वेरी गुड संध्या उसके बाद स्नेहांजलि और ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है ओके डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू अभी हम नेक्स्ट देखेंगे व्हेन इंजरी ऑकर सेट सर्वाइकल रीजन दिड लीड्स टू ओके मेन भट्टीब्रा में आपको ओके ट्वेंटी सिक्स भर्टिवरा देखेंगे तो उसमें सर्वाइकल रीजन में अगर इंजुरी वगैरह होता है तो आप क्या देखने को मिलेगा आपको हिमिप लेजिया पारा प्लेजिया क्वाड्रिप लेजिया नॉन ऑफ देगा सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर कौन सा होगा तो आप सभी को याद रखना चाहिए आंसर होगा क्वाड्रिप लेजिया सर्वाइकल रीजन में अगर इंजुरी होता है ओके दू जो एप गिवेन द सी ऑप्शन दर आंसर इज करेक्ट वन इसको जरूर याद रखिए ओके डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम ड्यूरिंग द हेड इंजरी द टेम्पोरारी लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिक फंक्शन इज कॉल कॉन्ट्यूजन कंकसन ब्रेन डेथ नॉन ऑफ देअ हेड इंजुरी के दौरान ओके कुछ टाइम के लिए न्यूरोलॉजिक फंक्शन लॉस होता है ओके व्हाट विल हियर तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कंकसन बोल के बोला जाता है इसको इसको हम क्या बोलेंगे कनकशन जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी व्हेन नर्स फाउंड ए पेशेंट विद हिमोरेज द इमीडिएट फर्स्ट एड मेजर ओके नर्स से नर्स क्या किसी पेशेंट का अगर हेमोरेज हुआ है तो इमीडिएट फर्स्ट एड मेजर क्या होगा स्टॉप ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग ए फार्म प्रेशर सिक्योर आईवी लाइन टू मीट द फ्लूड लॉस सी ऑप्शन में टू कॉल द डॉक्टर डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा राइट right तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन ओके दूझ ए ऑप्शन दी आर आंसर इज करेक्ट वन ओके उन सभी का आंसर होगा करेक्ट वन होगा स्टॉप ब्लीडिंग बाय एप्लाइंग ए फार्म प्रेशर वेरी गुड पुष्पवती उषावती स्नेहांजलि शुभस्मिता प्रियंका आयुष्मान प्रवीण ओके संतोषिनी सुप्रभा ओके, ओके, वेरी गुड ऑल आर गिविंग राइट आंसर हियर, ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैडर से भी प्योर सेप ऑर्गान प्योर सेव ऑर्गन, उभाल सेब नॉन नो देव तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके आलिया थ्री सिक्सटी वेरी गुड इवनिंग डियर तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा यू मस्ट है आप सभी को यहाँ याद रखना है याद क्या होगा एंसर वी द प्यर से ओगी इसको जरूर याद रखिए ओके डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी द ब्लैडर कैपेसिटी थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड नॉन ऑफ द एमल ब्लैडर का कैपेसिटी कितना है वाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा यू ऑल हैव टू है आप सभी को यहाँ पर याद रखना है वुड बी द बी ऑप्शन सिक्स हंड्रेड एम एल होगा इसको जरूर याद रखना है ओके समझ में आ गया आंसर बी द बी ऑप्शन नाउ विल कम बैक टू वेरी गुड आयुष्मान ओके अंजुला मोनी, ओके वेरी गुड ओके पुष्यवती हरप्रिया ओके वेरी गुड नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉन एनालिसिस ब्लॉ बॉन का फॉर्म है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ओके द स्पेसिमेन कैन बी कलेक्टेड इन द बोटल है कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल गैस नॉन ऑफ सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आप सभी को याद रखना है नॉन ऑफ कोई भी यहाँ पर आपको लेना नहीं है ओके संवर्ग जाल नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा नेचुरल गैस भी नहीं होगा इसीलिए आंसर विद नॉन ऑफ द जस्ट यू हैव टू दिस वन ओके समझ में आ गया नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड साउंड ने इनसाइड विथ जो कि लॉप को बोला जाता है फार्ड हार्ड साउंड बोल के बोला जाता है फास्ट हार्ड साउंड ओके हार्ड साउंड बोल के बोला जाता है ओके और यू कैन से एसवान साउंड बोल के भी बोला जाता है तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा क्लोजर ऑफ एवी भाल ओपनिंग ऑफ एवी भाल क्लोजर ऑफ सेमिलोनर भाल डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एव सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर पुट अप करिए ओके तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा क्लोजर ऑफ एवी भीवाल क्लोजर ऑफ एवी वाल वेरी गुड हर प्रिया स्नेहांजलि प्रियंका वेरी गुड मानसी ओके वेरी गुड ऑल आर गिविंग राइट आंसर ओके उषावती ऑल आर पुटिंग राइट आंसर ओके नाउ विल कम बैक टू तनमई ऑल्सो गिवन द राइट आंसर ये नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे ओके सर्वाइकल ओके सर्वाइकल प्लेक्सोसार फास्ट फोर सर्वाइकल नर्व नर्व सप्लाई टू सर्विक्स बोथ ए एंड बी डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबोव तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा ओके okay, मैं जो अभी क्लास डिस्कशन कर रहा हूं इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा ओके यू मस्ट हैव टू अटेंड द क्लास रेगुलरली ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर होगा फास्ट फोर सर्वाइकल नर्व्स को बोला जाता है सर्वाइकल प्लेक्सस ओके जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सी हियर द ऑकरेंस ऑफ क्रोनिक इलनेस इज ग्रेटेस्ट इन कौन सा कंडीशन में ओके क्रोनिक इलनेस ग्रेटेस्ट रहता है ओल्डर एडल्ट एडल्ट यंग चिल्ड्रेन एनदर वन द मिडिल एज एडल्ट कौन सा कंडीशन में क्रोनिक इलनेस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ओके इन हुई कंडीशन यू विल सी मच मोर नंबर ऑफ ओके क्रोनिक इलनेस तो सही आंसर पुट पुटअप करिए ओके सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहां पर सही आंसर कौन सा होगा ओके आंसर वुड बी द हमेशा याद रखो ओल्ड और एडल्ट वेरी गुड आप सभी ने सही आंसर दिए ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर ओके इसको जरूर याद रखिए ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम एल्डरली पीपुल हैव ए हाई इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर बिकॉज एल्डरली पीपुल सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है हिप फ्रैक्चर होने का चांसेस है किस वजह से केयरलेसनेस फ्राजिलिटी ऑफ द बोन सीडेंटर एक्जिस्टेंस रिमर टोड डिजीजेस वट उड भी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट माइड बी द राइट एंसपॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर सही आंसर होगा ओके okay, जरूर इसको याद रखिए ओके okay, कौन सा होगा आंसर उड भी द फ्राजिलिटी ऑफ द बोन ভেৰী গুড অ'কে পুষ্পতী ভেৰি গুড উষাৱতী অকে স্নেহাঞ্জলি তন্ময়ী হৰপ্ৰিয়া সুনীতা সন্ধ্যাৰাণী কৰিশ্মা অকে সৰ্য প্ৰবীণ সাধনা মানসী মিনি প্ৰিয়ংকা অল আৰ পুটিং ৰাইট আনচাৰ অকে এন্সাৰ নাও উইল কম বেক টু নেক্সট কুৱেশ্যন দ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৱাটৰ ইন দভৰেজ আডল্ট হ্যুমান বডি মানে আভৰেজ एडल्ट ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है 80 परसेंट सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर इसका सही आंसर क्या होगा ओके सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर आप सभी को याद रखना है आंसर विद बी ऑप्शन वेरी गुड ऑल आर गिविंग राइट आंसर 60 परसेंट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूड बैलेंस इन द बॉडी परफॉर्म बाय हमारा शरीर में कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा ओके फ्लूड मेंटेन करता है लीवर हार्ट लंग्स किडनी कौन सा ऑर्गन मेंटेन करेगा ओके सो योर राइट आंसर इन द सही आंसर पुट ऑफ करिए कौन सा होगा ओके वेरी गुड लेट अस सी ऑल आर गिविंग राइट आंसर वेरी गुड ओके जिन्होंने किडनीज दिए हैं दे आर आंसर इज करेक्ट वन ओके दे हैव गिवन द राइट आंसर ओके नाउ कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स मस्ट असेस द क्लाइंट विथ गैस्ट्रिक लाभ है और प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग फॉर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग वोमिटिंग हो रहा है या गैस्ट्रिक लाभ অ'কে ত' নৰ্চ কিয় আছে আলকালোচিছ ল'ছ অফ অক্সিজেন ফ্ৰম দ ফুড ল'ছ অফ অস্মটিক প্ৰেছৰ অফ দ ব্লড ओके राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहां पर सही आंसर पुट अप करिए ओके तो यहां पर सही आंसर होगा अल्कालोसिस वेरी गुड ऑल गिवन द राइट आंसर ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए पेशेंट इज रिसीविंग द नर्स केयरिंग द नर्सिंग केयर शुड इंक्लूड ऑब्जर्वेशन फॉर नोजिया एपिस्टाक्सिस हैड एक चेस्ट पेन ओके पेशेंट अगर एंटीक्गुलेंट रिसीव कर रहा है तो नर्स का जो नर्सिंग केयर रहेगा ऑब्जर्वेशन किसका ऊपर में रहेगा सो वट टूड बी द राइट आंसर यहाँ पर सही आंसर क्या होगा पुटअप करिए ओके okay, तो यहाँ पर हमेशा एंसर बी द बी एपी स्टाक्स वेरी गुड ओके जस्ट यू वन इसको हम बोलेंगे नोज ब्लीड यू कैन से दिस इज द नोज ब्लीड बोल के बोला जाएगा नोज ब्लीड ओके दिस वन नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स रियलाइज दैट ए पीसमेकर इज यूज इन क्लाइंट्स टू सर्व द फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म बाय ए वी नोड एस ए नोड बंडल एक्सेलरेटर नर्व टू हार्ट। द नर्स रियलाइजेज दैट पीसमेकर इज यूज इन समर्सन टू सर्व द फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म बाय कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है हार्ट का जिसका काम पीसमेकर करता है तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर तो आप सभी को यहां पर याद रखना है ओके आंसर होगा नोड वेरी गुड ऑल राइट आंसर द नर्स अंडरस्टैंड इन द ऑप्शन ऑफ पेथोलॉजी ए क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय ए ऑप्शन में ऑक्सीजन बी ऑप्शन hmm. में लैक्टिक एसिड सी ऑप्शन में कैल्शियम आयन डी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ओके पैथोलॉजी पैथोलॉजी में कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं रहेगा तो उसी टाइम रेस्पिरेटरी सेंटर कैसे स्टिमुलेट होता है ओके सो व्हाट टूल बी द राइट आंसर तो यहाँ पर जिन्होंने डी ऑप्शन दिए हैं दी आंसर इज करेक्ट वन दैट इज द डी होगा वेरी गुड ओके दूज यू आर गिविंग द डी ऑप्शन दी आंसर इज करेक्ट वन ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी क्लाइंट बिगिनस टू एक्स एक्सपेक्टो रेट ब्लड द नर्स डिस्क्राइब दिस एपिसोड कोई पेशेंट अगर ब्लड को क्या कर रहा है कॉफिंग में आ रहा है ब्लड इन कॉप तो उसको हम क्या बोलेंगे हिमाचुरिया ओके हिमाटोमा हिमोप्टिस उसके बाद हिमाडिमेसिस सो वट टूड बी द राइट आंसर हिमाचुरिया का मतलब है ब्लड इन यूरिन ब्लड इन यूरिन ओके ये ब्लड एकूमुलेशन होगा बॉडी में नेक्स्ट ला क्या हो गया ब्लड इन कप ब्लड इन अनदर वन दरा ब्लडिटिंग ब्लड इन भूमि ओके okay, ब्लड इन भूमि तो व्हाट टूड बी द राइट आंसर यहां पर दूज हुआ गिविंग सी आंसर देयर आंसर इज करेक्ट वन जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस ओके डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हुईच इज़ नॉट यूज इन पास्चुराइजेशन कौन सा देखो टेस्ट है जो चार टेस्ट दे आर आर फोर इंपोर्टेंट है टेस्ट इज नॉट यूज पास्चुराइजेशन में तो हमेशा याद रखिए मेथिलिन ब्लू टेस्ट इसको व्यवहार नहीं किया जाता है पास्चुराइजेशन में इसको जरूर याद रखना है ना विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्वेल्व के जी चाइल्ड विथ डायरिया फ्लूड टू बी रिप्लेस इन फास्ट फोर आवर ओके मीन ट्वेल्व के जी चाइल्ड है ओके okay, उसका वजन कितना है बच्चा का ट्वेल्व के है क्या हुआ है डायरिया हुआ है तो फास्ट फोर आवर में कितना फ्लूड रिप्लेस करना है जीरो टू फोर हंड्रेड एम एल फोर हंड्रेड टू एट हंड्रेड एम एल एट हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड एम एल ट्वेल्व हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड एम एल सो वैट टूड बी द राइट आंसर हियर तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है आंसर वी द एट हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड एम एल इसको जरूर याद रखिए ओके डिड यू गेट किस we'll कौन सा कॉन्सेप्ट के वजह से दिया गया है इंसिडेंट रेट क्रियो डेद रेट स्पेसिफिक डेथ रेट एनाल मोर्टालिटी द राइट आंसर इसका सही आंसर होगा हमेशा याद रखोगे ओके प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट इसको बोला जाता है बोर्डन ऑफ डी इज गिवन बाय प्रोपोर्शनल मोटालिटी रेट केमो इन कोलेरा कोलेरा के लिए जो केमो है कौन सा है कौन सा ड्रग टेट्रासाइक्लिन सिप्रोफ्लोक्सासिन एरिथ्रोमाइसिन नॉन ऑफ द अब तो व्हिच वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा हमेशा याद रखिए यहां पर जो सही आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन ये है केमोप्रोफिलैक्सीन कोलेरा यू मस्ट हैव टू दिस वन समझ में आ गया ना विल शुभम ओके आप सभी ने सही आंसर दिए हैं वेरी गुड ना विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन फोर कंपोनेंट ऑफ आर सी एच आर सी एच का फोर कॉम्पोनेंट इलाबोरेटेड ये ऑप्शन में प्रिवेंशन ऑफ एस टी डी फैमिली प्लानिंग चाइल्ड सर्वाइवल डी ऑप्शन में ऑल ऑफ देव तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओके तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है आंसर होगा ऑल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्टडी कंपोनेंट ऑफ आरसिय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड क्वेश्चन चांडलोर इंडेक्स इज यूज फॉर होक इन्फेस्टेशन राउंड मेलेरिया फाइलेरिया इसलिए व्यवहार किया जाता है चांडलोर इंडेक्स को ओके okay, इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट टूड बी द राइट आंसर तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है एवरी वन हैज रिम्बर ओके एवरी वन है चांडलोर इंडेक्स इसको जरूर याद रखें ओके ना विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी ए सबसे एंड ट्राइबल एरिया क्या बोला है एन एच एम मीन एल एच एन एच पी का जो पॉलिसी है सब सेंटर में ओके okay, पॉपुलेशन कितना पॉपुलेशन को सर्विस प्रोवाइड करेगा वो तो जो हिलियन ट्रैवल एरिया थ्री थाउजेंड फाइव थाउजेंड वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो व्हाट टूड बी द राइट आंसर हियर ओके आप सभी को यहाँ पर याद रखना है आंसर वुड बी द ओके ए ऑप्शन दैट इज द थ्री थाउजेंड पॉपुलेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टैक्ट पॉयजनिंग एसीएन प्यारिस ग्रीन सोडियम फ्लोराइड पायरिथ्रम ओके सो प्रो राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स सही आंसर पुट ऑफ करिए ओके यू मस्ट विद द डी ऑप्शन पायरिथ्रम को बोला जाता है कॉन्टैक्ट पॉइजन इसको जरूर याद रखिए यू मस्ट दिस वन ओके डिड यू गेट नाउ कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग द नोडल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किसको नोडल सेंटर किया जाता है पी एस सी सी एस सी कंट्रोल रूम नॉन देव सो व्हाट माइट भी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए आंसर उड बी द कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम को ओके नोडल सेंटर किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए

डोंट फॉरगेट दिस वन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी गुड ऑल आर पुटिंग राइट रंसपॉन्स नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर ऑफ डोजेस ऑफ एच डी सी वी वैक्सीन एच डी सी वी वैक्सीन रिक्वाड फॉर प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए एच डी सी वी वैक्सीन कितना डोज दिया जाएगा सेवन फाइव थ्री एना दिन दन सो व्हाट टूड बी द राइट आंसर ओके वाट टूड बी द राइट आंसर तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा एच डी सी बी एक तो वैक्सीन है जिसको बोलते हैं हम हमेशा याद रहोगे ह्यूमन डाइप्लोइ ह्यूमन डाइप्लोय डाइप्लोइ सेल कल्चर सेल कल्चर वैक्सीन सेल कल्चर वैक्सीन तो इसका कितना डोज दिया जाता है तीन डोज दिया जाता है इसको जरूर याद रखिए यू डोंट फॉरगेट दिस वन दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके डीड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी जिंग सप्लीमेंट गिवेन इन ट्वेल्थ मंथ बेबी ट्वेल्थ मंथ बेबी को जिंक सप्लीमेंट कितना दिया जाएगा ए ऑप्शन में वन ग्राम पर डे टेन मिलीग्राम पर डे ओके फाइव मिलीग्राम पर डे ओके फिफ्टीन मिलीग्राम पर डे सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओके सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन ओके okay, पर फाइव मिलीग्राम पर डे जस्ट यू टू रियमर दिस कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोटालिटी रेट केस रेट प्रोपोर्शनल मोटालिटी रेट स्पेसिफिक डेथ रेट तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है आंसर सी डी आर इसको याद रखेंगे सी डी आर यू मस्ट नॉट फॉरगेट दिस वन ओके डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल बेस्ट मोटालिटी इंडिकेटर कौन सा है सी डी आर पी एम आर ए एस डी आर ओके सी एफ आर सो हट वुड बी द राइट आंसर हियर यहाँ पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन ए स्पेसिफिक डेथ रेट इज द सिंगल बेस्ट मोटालिटी इंडिकेटर बोल के बोला जाता है सिंगल बेस्ट मोटालिटी रेट भूल के बोला जाता है यू फॉर ओके इसको भूलना नहीं है इसको जरूर याद रखना है ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट तो हम देखेंगे अभी ओके दो यू आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन दिस क्लास ओके दैट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम ओके ट्वेल्थ अगस्त टू 20th ट्वेंटी एथ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर फॉर मोर अबाउट दिस उड़ीसा नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल ओके नाउ कम बैक टू नेक्स्ट वन स्मोक इंडेक्स इज यूज फॉर एयर पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन एक्सक्रीटर नॉन ऑफ द सो द्वाट टूड बी द राइट आंसर इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके ओके यहाँ पर कौन सा होगा एयर पॉल्यूशन वेरी गुड ओके दूजनिंग एयर पोलिशन दर आंसर इज करेक्ट वन इसको जरूर याद रखिए ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लो डेवलपमेंटल स्टेज इज सीन इन मेलेरिया फाइलेरिया प्लेग कोलेरा साइक्लो डेवलपमेंटल स्टेज कौन सा कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सही आंसर होगा फाइलेरिया में इसको जरूर याद रखिए ओके पार्ल इंडेक्स पर हंड्रेड वुमेन इस टेन वन थाउजेंड वुमेन इन सो ईयर बी द राइट आंसर तो यहाँ पर होगा पर हंड्रेड वुमेन इन ईयर यहाँ पर आंसर विद ए ऑप्शन होगा इसको जरूर याद रखिए ओके डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी नंबर ऑफ बेड इन सी एस सी पी एस सी में कितना होगा नंबर ऑफ़ बेड्स इन पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिक्स टेन बेड ट्वेंटी ट्वेंटी तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा वाइड भी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके यू ऑल है ओके यहाँ पर आप सभी को याद रखना है सिक्स बेड होगा वेरी गुड यू मस्ट है

ओके सो डोंट बी ओके नेक्स्ट विल सी इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस फॉर फ्लाई सेंडफ्लाई फ्लाई के लिए इंसेक्टिसाइड कौन सा है डीटीटी ओके हाइड्रोक्लोरो ओके हाइड्रोक्लोरोके जो हैग्जा क्लोरो ओके हाइड्रोक्लोराइड एनदर वन विल बी द मालथियन प्यारिस ग्रीन कौन सा होगा ओके सो व्हाट वॉट बी द राइट आंसर यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा

व्हाट इज एब्सेंट इन ब्रेस्ट मिल्क ओके ब्रेस्ट मिल में कौन कौन सा एब्सेंट है विटामिन के विटामिन सी लैक्टोज, लाक्टोजर वन विद भी विटामिन सो व्हाट वुड राइट आंसर इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट इज एब्सेंट इन ओके व्हाट इज एब्सेंट इन मिल्क एब्सेंट इन ब्रेस्ट मिल ब्रेस्ट मिल में कौन कौन सा एब्सेंट है ओके कौन सा विटामिन अगर पूछेगा तो हमेशा याद रखे जैसा विटामिन डी हो गया ओके उसके बाद आयोडीन हो गया ओगे आयरन हो गया ओके लो एडिशनल आपको देखने को मिलेगा ओके तो बेसिकली कौन सा देखने को मिलेगा सो यू हैव टू टेल मी विटामिन के जिन्होंने विटामिन के दिए हैं, वन। विटामिन के इज करेक्ट वन यू मस्ट हैव टू वन ओके यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोटालिटी एल वि डब्लो इंजुरीी ओके आई एक्यूट रेस्पिरेटरी इनफेक्शन तो so, 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 यहाँ पर आप सभी को याद रखना है एल बी डब्ल्यू ओके जिन्होंने एल बी डब्ल्यू दिए हैंजोर वाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सस्पेंडेड सॉलिड नॉन ऑफ दबस्टैंड है ऑर्गेनिक लोड को कैसे मेजर किया जाएगा सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर यहाँ पर हमेशा याद रखना है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम बोल सकते हैं सी ओ डी और इसको बी ओ डी बोल के बोला जाता है यू डोंट फॉरगेट दिस वन ओके डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओवरवेट बी एम आई ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन फिफ्टीन टू एटीन एटीन टू ट्वेंटी नॉन ऑफ द ओके okay, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा व्हाट टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके तो यहां पर यू मस्ट रिमेंबर यहाँ पर सही आंसर होगा ए ऑप्शन ओवरवेट बी एम आई ओके डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन डिजीज एलिमिनेशन इज हेल्ड बाय डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए हार्ड इम्यूनिटी आइसोलेशन क्वारंटाइन नॉन अवेलेबल सो बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिजीज अभी जैसे कोविड नाइन्टीन हो रहा है तो आपको इसके कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हाउ कैन यू एलिमिनेट दिस डिजीज तो यू मस्ट ओके तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए हार्ड इम्यूनिटी ओके ऑप्शन, ऑप्शन, इसको भूलना नहीं है जरूर याद रखना है नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन टर्शरी प्रिवेंशन डिजाबिलिटी रिहाबिलिटेशन तो सही आंसर कौन सा होगा इम्यूनाइजेशन कौन सा लेवल है सही आंसर दीजिए ओके पुटिंग ऑप्शन बेबी महंत स्नेहांजलि हरप्रिया पुष्यवती शुभस्मिता गजेंद्र सिनामयी मोनालिसा शुभम अंजुलता ईसिता प्रियंका प्रवीण ओके मनोज ऑल आर पुटिंग राइडर प्राइमिक्री इसको जरूर याद रखना है वेरी गुड नाउलैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन जीरोक्शन इराडिकेशन ऑफ ओके जीरो इंसिडेंस का मतलब क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो इंसिडेंस ओगे सो राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स सही आंसर पुट ऑफ करिए जीरो इंसिडेंस का मतलब क्या है ओके व्हाट टूड बी द राइट आंसर ओके तो यहां पर आप सभी को याद रखना चाहिए ओके यू मस्ट हैव टू ओके एलिमिनेशन ऑफ डिजीज ओके जस्ट यू हैगेट ग्रुप आई एम एन सी आई टारगेट ग्रुप ओके बेसिकली कौन सा एज ग्रुप का होगा अपू फाइव ईयर्स अप टू टेन ईयर्स अप टू फिफ्टीन ईयर्स अप टू ट्वेंटी ईयर्स ओके सो व्हाट टूट बी द राइट आंसर सही आंसर कौन हो कौन सा होगा पुटअप करिए दो वेरी गुड ओके ऑल आर पुटिंग राइट आंसर वेरी गुड सविता ओके तन्मयी शुभम गजेंद्र सिन्ामयी ओके बेबी ईपिता शुभस्मिता मनोज ओके साधना मोनालिसा मिनी ऑल आर पुटिंग राइट आंसर अप टू फाइव इयर्स ओके जस्ट यू हैव टू दिस वन ओके स्मिता ऑल आर पुटिंग राइट आंसर नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाईजेस्ट फंडिंग फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बाए ओके हाईजेस्ट फंडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन ज्यादा फंड देता है यू एन एफ पी एसे नॉन ऑफ सही आंसर पुट ऑफ करिए बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है एवरी वन टू रिमेंबर हियर आंसर विप्स ओके यू एन एफ पी ए नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिल्क इज गई बाय बॉइलिंग एड सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड फॉर थर्टी मिनट सेवेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टेन सेकेंड हंड्रेड डिग्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ट्वेंटी सेकेंड वन थर्टी सिक्स डिग्री फॉर सेंटीग्रेड फॉर थर्टी सेकेंड सो व्हाट आर माई डी बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके तो यहां पर कौन सा होगा एंसर विद ऑप्शन वेरी गुड जेनरेशन टाइम कम्युनिकेबल पीरियड सो व्हाट टूट बी द राइट आंसर हियर यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट माइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके ऑलवेज यू हैव टू रियम्बर यूर आप सभी को यहाँ याद रखना है ओके okay, इसको हम क्या ये इनक्यूबेशन पीरियड नहीं है डोंट मेंशन इनक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन जेनरेशन टाइम ओके दो जो हर पुटिंग सी ऑप्शन जिन्होंने सी ऑप्शन को पुट किए हैं आंसर इज करेक्ट वन यू मस्ट है दिस ओके डिड यू गेट आईसीडी टेन we'll का मतलब क्या है आई इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डी टेन का मतलब क्या है रिवाइज एवरी ईयर कॉन्सिस्ट ऑफ टेन चैप्टर एरेंड बाईनसेफ सो व्हाट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या होगा ओकेट रूड बी द राइट रिस क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को याद रखना है अरेंज इन थ्री वॉल्यूम अरेन्ज इन थ्री वॉल्यूम इसको जरूर याद रखिए अरेंज इन थ्री वॉल्यूम ओके आंसर टूथ दी ऑप्शन ना विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम भागावन डीच इज कॉल्ड वायस माइट टीक बैकफ्लाय ब्लैक तो यहां पर आप सभी को याद रखना एंसर यू मस्ट टू लाउस एंसर विद लाउस होगा ओके लाउस बाइट करने के वजह से भगावन डेज होता है ओके व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ओके ओहम फोर सेफ स्पॉन्ज होल्डिंग फोर सेफ कॉड होल्डिंग फोर सेव पाइल होल्डिंग फोर सेप इसका सही आंसर पुट ऑफ करिए ओके ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जस्ट यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ओके व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ओके व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ओहम फोर्सेप स्पंज होल्डिंग फोर्सेप कॉर्ड होल्डिंग फोर्सेप एंड द पाइल होल्डिंग फोर्सेप ओके दोज हु आर गिविंग ओके बी ऑप्शन दे आंसर इज करेक्ट वन स्पंज होल्डिंग फोर्सेप वेरी गुड आप सभी ने सही आंसर दिए इसको ओके okay? जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं दी आर आंसर इज करेक्ट वन व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ओभम फोरसेप स्पन्ज होल्डिंग फोरसेप कॉर्ड होल्डिंग फोरसेप पाइल होल्डिंग फोरसेप ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ओके जस्ट यू हैव टू रियम्बर दिस वन यहाँ पर कौन सा होगा हु विल गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके okay, तो यहाँ पर सही आंसर होगा पाइल्ड होल्डिंग फोर होगा पाइल्ड होल्डिंग फोर जरूर इसको याद रखिए ओके पाइल्ड होल्डिंग फोर नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ओके लिस्टर साइनस फोर सेव ओवम फोर सेव स्पॉन्ज होल्डिंग फोर सेव नॉन ऑफ द ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ओके सही आंसर पुट ऑफ व्हाट माइट बी द राइट आंसर व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके वेरी गुड वेरी गुड जिन्होंने ओके जिन्होंने दूज गिवन बी ऑप्शन दे आर आंसर इज करेक्ट वन दे आर आंसर इज करेक्ट वन ओ वम फोर सेब इसको जरूर याद रहोगे ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है किडनी ट्रे टावेल क्ले बार बार कर हैंडल नॉन ऑफ दो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ओके okay, सही आंसर पुट ऑफ करे वाट टूट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर जिन्होंने ओके सी ऑप्शन दिए हैं दे आर आंसर इज करेक्ट वन इसको जरूर याद रखें व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है मॉस्किटो हिमोस्टैटिक फोरसेप ओके स्पेंसर वेल्स हिमोस्टैटिक फोरसेप कोचर हिमोस्टैटिक फोरसेप राइट एंगल फोरसेप यहाँ पर देखो आपको देखने को मिलेगा शू हट टूट बी द राइट आंसर इसका ओके राइट एंगल फोर्सेप देखो यहाँ पर एंगल है इसीलिए राइट एंगल फोरसेब है ये ओके जरूर इसको याद रखना है नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट का नाम किया है मॉस्किटो हिमोस्टाटिक स्पेंसर वेल्स फोर हिमोस्टाटिक फोरसेब राइट एंगल फोरसे इसका सही आंसर कौन सा होगा वट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर आंसर वुड बी द होगा सी ऑप्शन जिन्होंने सी दिए हैं आंसर इज करेक्ट वन हिमोस्टाटिक फोरसेब है ये ओके कोचर हिमोस्टाटिक फॉरगेट दिस वन वेरी गुड नाउ विल कम बैक टू नेट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मॉस्किटो हिमोस्टैटिक फोरसेप कोचर हिमोस्टिक राइट एंगल फोरसेप तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन इसको जरूर याद रखिये स्पेंसर वेल्थिक फोर्सेप डोट फॉरगेट दिस द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है मॉस्किटो हिमोस्टैटिक फोर्सर वेल्सैटिक फोर्स हैंगल फोर्स है तो यहाँ पर भी जरूर इसको याद रखिए ओके स्ट्रेट ओके मॉस्किटो आट्री फोर भी स्ट्रेट मॉस्किटो आर्टरी फोर सेव जरूर इसको याद रखिए ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट वन ओके आइडेंटिफाई द दुज मेजर द ऑफ दर्कुम बट ऑल्सो दैट ऑफ प्रेगनेंट वुमेन हेल्पिंग आइडेंटिफाई माल न्यूट्रिशन इन दिस पिक्चर ये ऑप्शन में एम ए सी टेब एम यू ए सी टेब यू एस सी टेब ए सी टैब तो कौन सा टैब है इसको इसको साकिर टैब बोल के भी बोला जाता है इट इज ऑल्सो ए साकिर टैब बोल के बोला जाता है मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ ग्रेटर देन थर्टीन पॉइंट फाइव अगर होगा सेंटीमीटर होगा ग्रीन कलर ओके आएगा उसके बाद इन बिटवीन थर्टीन पॉइंट फाइव टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रहेगा उसके बाद ये बॉर्डर लाइन आएगा बॉर्डर लाइन ये अगर लेस देन अगर ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अगर इंडिकेट करता है द सीवियर माल न्यूट्रिशन ओके इसको जरूर याद रखिए सीवियर माल न्यूट्रिशन ओके दिस वन ओके गॉट इट तो आंसर एम यू ए सी होगा बी ऑप्शन नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट व्च इज नॉन इन्वेजिव मेथड फॉर मॉनिटरिंग पर्सन ऑक्सीजन सेचुरेशन इन दिस पिक्चर पल्स ऑग्जीमीटर थर्मोमीटर बारोमीटर स्पिगमो मानोमीटर सो व्हाट वी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट माइड भी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो हमेशा याद रखी इसका सही आंसर होगा पॉल्स ऑक्जी मीटर ओके यू ऑल हैव टू वन। आंसर क्या होगा पॉल्स ऑक्जी मीटर ओके आप सभी ओके एवरी वन हैज गिव द आंसर एवरी वन गिव द आंसर नाउ कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट ओके हुईज हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर यूज टू डिटेक्ट द फिटल हार्डबीट फॉर प्री केयर पिनाड हॉर्न डॉपलर फिटोस्को अल्ट्रासाउंड पल्स ऑक्सीमीटर ओके तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके एवरी वन टू गिव द राइट आंसर ओके आप सब एवरी वन हैज टू गिव द राइट एंसपॉन्स यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा वेरी गुड ओके जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं डॉपलर फिटोस्को दे आर आंसर इज करेक्ट वन वेरी गुड ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द वार्मिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबन इन्फंट इन दिस पिक्चर रेडियंट वार्मर और इनक्यूबेटर वेंटिलेटर ओके शिप आप का फुलफॉर्म है कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव ए आरवे प्रेशर डी ऑप्शन में सक्शन मेसिन ओके ये पर्टिकुलर वार्मिंग डिवाइस को क्या बोला जाता है सो हट टूड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरी वन हैजू आंसर ओके एवरी वन हैज टू आंसर इसका सही आंसर दीजिए सिक्सटी टू ओके ऑनलाइन एवरी वन होगा रेडियंट वार्मर और इनक्यूबेटर रेडियंट वार्मर और इनक्यूबेटर इसको जरूर याद रखिए नाउ कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट हुई इज यूज फॉर विजुअल एग्जामिनेशन बिलो द बेक ऑफ द थ्रोट वेअर द वॉइस बॉक्स कंटेनिंग द वोकल कॉर्ड इज लोकेटेड इन दिस पिक्चर लारिंगोस्कोप ऑटोस्कोप प्रोक्टोस्कोप फिटोस्कोप इसका नाम क्या है इंस्ट्रूमेंट का नाम ओके जस्ट यू हैव टू टेल एवरी वन हैज टू आंसर ओके आप सभी को आंसर देना है एवरी वन वन टू आंसर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आंसर होगा लारिंगोस को ओके वेरी गुड नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मेडिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू लुक इन योर इन दिस पिक्चर ये ईयर देखने के लिए व्यवहार किया जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए

आइडेंटिफाई द मेडिकल इल्यूमिनेटेड ऑप्टिकल टिपिकल स्पलेंडर ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट ये टाइप ऑफ बोरोस्कोप यूज्ड टू लुक डीप इनटू टू द बॉडी ओके फेंडोस्कोप ऑरिस्कोप प्रोक्टोस्कोप फिटोस्कोप यहाँ पर देखो कैमरा रहेगा ओके okay, बेसिकली उसमें हम देख पाएंगे क्या बॉडी इंटरनल ऑर्गन को देख पाएंगे तो ये कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है सो पुडियो राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स सही आंसर पुट ऑफ ओके okay, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है आंसर विद एप्स ओके एंडोस्कोप ये कौन सा है एंडोस्कोप है इसको भूलना नहीं है ओके गॉट इट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट कॉस्कोविजिनल स्पीकुलम सीम स्पेक्युलम नाजल स्पीकुलम ओरल स्पीकुलम ये कौन सा टाइप का स्पीकुलम है ओके सो प्रियो राइट आंसर इन द चार्ड बो सही आंसर पुट ऑफ करिए हैं ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके okay, आप सभी को यहाँ याद रखना है ये कॉस्को वेजिनल स्पीक्युलिस कॉस्को वेजिनल स्पीक्युलम वेरी गुड ओके एवरी वन हैज गिवन द राइट आंसर नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करिए कॉस्को वेजिनल स्पीकुलम सिम स्पेक्युलम नाजल स्पीक्युलम ओरल स्पीकुलम ये कौन सा टाइप का स्पीक्युलम है ओके जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस वन ओके इसको आइडेंटिफाई करिए और ये ओके चैनल को अगर लोगों ने अगर शेयर नहीं किए हैं ओके वीडियो को तो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ बिकॉज एवरी वन विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम नर्सिंग विनोद सर यूट्यूब चैनल ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन नाजाल स्पीक्युलम है ओके आइडेंटिफाई द स्पीक्युलम स्पीक्युलम को आइडेंटिफाई करिए कौन सा है कॉस्कोजनल स्पीकुलम स्पीकुलम नजल दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर पुट ऑफ व्हाट टूट बी द राइट आंसर ओके आप सभी को यहाँ पर याद रखना है आंसर होगा ओरल स्पीक्युलम यू मस्ट ऑप्शन आप सभी ने दिए हैं एवरी वन टू आंसर ओके आप सब ओके okay, आप सभी को आंसर देना है उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे सक्सेस नहीं मीन सक्सेस होने के लिए ओके okay, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसीलिए प्रैक्टिस करना है ओके प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके आइडेंटिफाई द इमेज ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसको आइडेंटिफाई करे कॉस्को वेजिनल स्पीकुलम सिम स्पेक्युलम नजल स्पीकुलम ओरल स्पीक्युलम ओके तो पूरी ओर राइट आंसर इन द बॉक्स सही आंसर पुट ऑफ करिए क्या होगा ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ओके एवरी वन टू आंसर ओके आप सभी ओके आप हैज टू गिव द राइट एंसपॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर होगा सिम वेरी गुड वेरी गुड ऑल आर गिविंग राइट आंसर ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन वीलो कॉस्को स्पीकुलम सिम स्पिकुलम फॉर्गुसम स्पीकुलम ऑवहार स्पीकुलम ये कौन सा टाइप का स्पीकुलम है ओके जस्ट यू टू टेल मी द राइट नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीक्युलम ओकेट टूड बी द राइट आंसर हेयर ओके व्हाट टूड बी द राइट आंसर इसका सही आंसर जरूर इसको याद रहोगे ओके व्हाट माइड बी द राइट आंसर हेयर इसको बोला जाता है फॉर्गुसम स्पीकुलम बोल के बोला जाता है जिन्होंने सी आंसर दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन ओके देयर आंसर इज करेक्ट वन जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन ओके रिमेंबर दिस नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम ओके आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करिए कॉस्कोस्पिकुलम सीम्सपेकुलम फर्गुसोन स्पिकुलम आवर्ड स्पिकुलम सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पीक्युलम इसको हम कौन सा स्पीकुलम बोल के बोला जाएगा आंसर होगा आवभार स्पीकुलम बोल के बोला जाएगा इसको जरूर याद रखिए। डोंट फॉरगेट दिस वन दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डे जो क्लास होगा नाइन थर्टी पी एम में होगा ओके आर इंटरेस्टेड टू टेक पेड क्लासेस ओके पेड क्लासेस के लिए ओके जस्ट यू हैव टू पेड एट द रेट टू थाउजेंड रुपी ओके पेड करना है फॉर ओके टू एंड हाफ मंथ ओके यू हैव टू गो थ्रू द थ्री मंथ के लिए ओके जस्ट यू हैव टू रियम्बर दिस वन ओके इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉल टू दिस नंबर नाइन वन टू फोर थ्री टू फोर डबल सेवन नाइन आप इसमें कॉल कर सकते हैं ओके ओके okay, जरूर इसको याद रखिए नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सोन इन द इमेज ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आयरिस सुच और कटिंग सीजर लिस्टर बैंडेज लिस्टर बैंडेज कटिंग सीजर और माओ सीजर ओके नॉन ऑफ द दो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटे ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है इसको बोला जाता है आयरिस सुच और कटिंग सीजर बोल के बोला जाता है आयरिस सुच और कटिंग सीजर आयरिस सुचर कटिंग सीजर बोल के बोला जाता है डोन्ट फॉरगेट दिशन जस्ट है डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सोन इन द इमेज आयरिस सुच और कॉटिंग सीजर लिस्टर बैंडेज कॉटिंग सीजर मायो सीजर नॉन ऑफ द इसका नाम क्या है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ओके व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इसको जरूर याद रखिए ओके माय ओके जस्ट यू हैव टू रिम्बर द ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू ओके अभी हम देखेंगे इसको आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सोन बिलो इन द इमेज इट इज यूज टू मेक सैंपल ऑफ वेजिनल वेजीनाल इन केस ऑफ सस्पेक्टेड वेजिनल इन्फेक्शन इट इज यूज फॉर पाप्स मियर बोथ ऑफ द एब नॉन ऑफ द एब ओके सो व्हाट टूट बी द राइट आंसर इसका सही आंसर कुट ऑफ व्हाट टूड बी द राइट आंसर ओके सो व्हाट टूड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके okay? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है एवरी वन हैजू हियर ओके आंसर वुड बी बी ऑप्शन इट इज यूज्ड इन पाप्स म्योर पाप्स मियोर के लिए व्यवहार किया जाता है दैट इज डन फॉर सर्वाइकल कैंसर सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है ओके जस्ट यू हैव टू वन ये स्ट्रेट मायोसीजर है स्ट्रेट मायोसियर ओके okay, जरूर इसको याद रखिए स्ट्रेट मायोसियर डोंट फॉरगेट दिस वन नाउ वेल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करिए इसका नाम क्या है सोन इन आलिसपुर से बूथ ऑफ द द नॉन ऑफ़ ऑफ़ माइट दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन इसको जरूर याद रखिए नाउ कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिनिकल एग्जामिनेशन सोन इन द फोटोग्राफीज यूज टू तो डिटे प्रेगनेंसी है ब्रिज़ी प्रेजेंटेशन आसाइटिस तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा प्रेगनेंसी वेरी गुड गुँग। ओके दूज यू हैव द ए ऑप्शन आर आंसर इज करेक्ट वन यू मस्ट हैव टू वन द डिवाइस शोन इन द पिक्चर बिलो इज आइडियली आइडियलीट इसको कब इंसर्टेड किया जाता है ये कॉपर टी है कॉपर टी है टी एक टू डी आईओडी इंसर्ट करने का टाइम है इन टेन डेज ऑम ओकेशन जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन ऑन फोर्टीन डे तो यहाँ पर आंसर होगा सी सी ऑप्शन इसको जरूर याद रखिए ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम व्च एवंग द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सोन इन द फोटोग्राफ बिलो ये कॉपर टी का ये आई का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है पेन पेल्विक पेलविंग डिजीज ब्लीडिंग परफोरेशन सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट टूट बी द राइट रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन सही आंसर कौन सा होगा ओके okay, तो यहां पर हमेशा याद पुटिंग की ब्लीडिंग दियर आंसर इज करेक्ट वन वेरी गुड नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम गैनिकोलॉजिकल प्रोसीजर सोन इन द फोटोग्राफ फोटोग्राफ में एक प्रोसीजर दिखाया गया है स्वाब इसमें क्या किया जा रहा है चार्ड बॉक्स सही आंसर पुट अप करें कौन सा होगा पापर दूज आर पुटिंग बी ऑप्शन दे आर एंसर इज करेक्ट वन देर आंसर इज वन वन जस्ट हैव टू दिस इसको जरूर याद रखना है पाप्स में नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द पिक्चर दिक्कतोस्कोप मेटल कैथेटोर फीमेल अल्ट्रासाउंड मशीन नॉन ऑफ दो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये मशीन का नाम क्या है वट इज द नेम ऑफ दिस मशीन ये मशीन का नाम है कॉल्पोस्को ओके जस्ट यू हैव टू दिस वन हैल्पोस्को वेरी ओके जिन्होंने कल्पूस को दिए हैं दे आर एंसर इज करेक्ट वन आइडेंटिफाई द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट सोन इन द फोटोग्राफ इसको आइडेंटिफाई करिए डॉन्स रिट्रैक्टर डीएवर्स एवर्स रिट्रैक्टर एंटेरियर वेजील वर्ल्ड रिट्रैक्टर और एसएजी कैनुला तो इसका नाम क्या है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इसको हमेशा याद रखिए सी ऑप्शन एंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर है ভেৰি গুড মিনি বেহেৰা তিলোত্তমা মানি জানি অ'কে ভেৰি গুড সবিতা অ'কে মনালিছ অ'কে অল হেভ গিভেন দ ৰাইট আনচাৰ ঔকে ৰেক্সনা অ'কে প্ৰিয়ংকা তন্ময়ীকে ভেৰি গুড নাও ৱিল কম বেক টু নেক্সট কুৱেশ্যন আইডেণ্টিফাই দ ডিভাইছ অ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট চ'ন ইন দ ফটোগ্ৰাফ ড্ৰয়েঞ্চ ৰিট্ৰাক্টৰ ডি এভৰ্ছ ৰিট্ৰাক্টৰ আণ্ট্ৰিজনেল ৱৰ্ল্ড ৰিট্ৰাক্টৰ এছ এছ জি কানুলা চ' হোৱাট ইজ দ ৰাইট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন इसका सही आंसर कौन सा होगा आंसर होगा डोन्स रिट्रैक्टर इसका नाम क्या है डॉइंस रिट्रैक्टर जरूर इसको याद रखिए ना विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन इंस्ट्रूमेंट सोन इन द फोटोग्राफ डिट्रैक्टर डी एवरस रिट्रैक्टर एंटीरोना एस एच जी कानूला ये इसका नाम क्या है ये कैनोला का नाम क्या है इसको बोला जाएगा एवरी वन आंसर ओके एवरी वन हैज टू आंसर जिन्होंने पेड क्लासेस के लिए ओके okay, पेड क्लासेस के लिए यू कैन ज्वाइन नाइन वन टू फोर थ्री टू फोर डबल सेवन नाइन में कॉल करें ओके जस्ट यू हैव टू दिस वन ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन एस एच जी कानूला इसको जरूर याद रखिए

ओके सो यू मस्ट हैव टू दिस वन इसको पार्टोग्राम बोल के बोला जाएगा वेरी गुड ओके गजेंद्र वेरी गुड डियर मोनालिसा ओके ऑल आर पुटिंग राइट ना विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेबी बॉर्न विथ कॉन्जनेटल मालफॉर्मेशन सोन इन द पिक्चर इसमें देखो इसका लोअर लिम आपको सबसे छोटा छोटा देखने को मिल रहा है द लाइकली टेराटोजेनिक ड्रग इज सी बाय द मदर इज कौन सा ड्रग्स लेने के वजह से मदर ये पार्टिकुलर ओके मालफॉर्मेश कॉन्जनेटल मालफर्मेशन देखने को मिला है थालीडोमाइट अल्कोहल कार्बिमाजोल हेपारिन सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पुट अप करिए एवरी वन हैज टू पुट द राइट आंसर हियर ओके तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए दू जू आर पुटिंग ए ऑप्शन थालिडोमाइट इसको थालिडोमाइड सिंड्रोम और फोकोमेलिया मूल के भी बोला जाता है थालिडोमाइट सिंड्रोम ओके और फोकोमेलिया मिलिया बोल की भी बोला जाता है फोकोमेलिया, इसको जरूर याद रखिए ओके डिड यू गेट नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम ये पेशेंट वाइज स्टार्टेड ऑन एन एंटीक्वागलेन थेरापी फॉर डी वी थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट डे ही प्रेजेंटेड विद द फीचर सोन इन द फॉलोइंग द इम्प्लीकेटेड ड्रग इज ओके वारफेरिन, हेपारिन, रिभाग जो रिभा रोग जाबेन डेवी गाट्रोन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हुआ वारफेरिन इसको वारफेरिन के वजह से सब देखने को मिल रहा है मैंने दिस कंडीशन सर यू आर सीइंग दिस वन ओके जस्ट यू हैव टू रिम्बर दिस ओके नेक्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मेडिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू लुक डीप इनटू द इयर्स इन दिस पिक्चर लारिंगोस कोरिशको पोक्टोस को ये कौन सा टाइप का डिवाइस है बेसिकली ईयर को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है ये डिवाइस का नाम क्या है ओके ये डिवाइस का नाम है और इसको भी इसको जरूर याद रखिए ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लिप्स लूप कॉपर टी टीवेक्टोमी कॉन्डोम ये चारों में कौन सा परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है सही आंसर पुटऑफ करिए राइट आंसर इन द चार्टॉक्स एवरी वन है तो यहाँ पर सही आंसर होगा यू मस्ट है टीवे दिए हैं दी आर आंसर इज कॉरेक्ट ऑन वेरी गुड बी ऑप्शन नहीं होगा ओनली एंड ओनली सी एम टी पी एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक कैम इन टू फोर्स इन year 1971, नाइनटीन सेवेंटी वन नाइनटीन सेवेंटी टू नाइनटीन सेवेंटी थ्री नाइनटीन सेवेंटी फाइव कौन सा ईयर में एम टी पी एक्ट जिसको बोला जाता है एम टी पी नाइनटीन सेवेंटी वन ओके ये कब से काम करना शुरू किया कौन कब से काम करना शुरू किया हमेशा याद रखें नाइनटीन टू ओके नाइनटीन सेवेंटी टू इज द राइट आंसर नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिकेशन फॉर यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओके कौन सा पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल व्यवहार नहीं कर सकते हैं थ्रोम्बो फ्लेवाइटिस यूनर इन्फेक्शन ऑल्सोटि फोलाइटिस मेनोर कौन सा पेशेंट व्यवहार नहीं कर सकता है सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अभी तक तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए शेयर करना मत भूलिए ओके okay, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ई ऑप्शन थ्रम बुफ इज वेरी गुड प्रियंका गिभेन द रईट आंसर ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन फलोइंग इज ए मेकानिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा मेथड को मेकानिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बोल के बोला जाएगा भासेक्टोमी मालाडी कॉन्डोम एम टीपी सो ह्वाट टूड भी द रईट आंसर ओके हमेशा याद रखिए कंडोम इज द मेकानिकल मेथड अफ कंट्रासेपन कंडोम इज द मेकानिकल मेथड अफ इसको जरूर याद रखिए द हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव सार इंजेक्टेबुल हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन सा पार्टिकुलर में अवेलेबल है ओरली अवेलेबल है इंजेक्टेबल अवेलेबल है इम्प्लांट में भी अवेलेबल है ओके okay, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द राइट आंसर इसको जरूर याद रखिए एम टी पी एस्ट इन ईयर 1983 एटी ओके सेवेंटी सेवन टू कौन सा ईयर में पास किया गया एम टी पी एक्ट को ओके okay, इसका सही आंसर एवरी वन हैज़ टू आंसर ओके एवरी वन हैज़ टू आंसर इसका सही आंसर दीजिए ओके गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके डोंट बी लेट यहाँ पर सही आंसर होगा डी ऑप्शन ओके वेरी गुड ओके आप सभी ने सही आंसर दिए हैं ओके दो जो आर इंटरेस्टेड टू टेक द स्पेशल क्लास दे कैन ज्वाइन ओके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर